चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप किसी कोर्स में इस साल एडमिशन ले लें, जैसे बीएमएस में ले लें, बीडीएस में ले लें, बीयूएचएमएस बीएचएमएस में ले लें, या फिर वेटनरी में एडमिशन ले लें, तो उसके बाद आप साथ साथ नीट की तैयारी कर सकते हैं क्या। मैं आपको इसमें पुराना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चों ने दिया है, वो कितना सक्सेस हुए हैं इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के साथ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बुक मैंने ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी सभी की लिख रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसमें मैंने कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर टॉप से लोवेस्ट के क्रम में कॉलेज को दिखाया है। च्वाइस लिस्ट दी गई है 22 के लिए। सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी, हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में, डिम्ड के बारे में सारी इसमें जानकारियां दे दी हैं। आप इसको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in या फिर चोपड़ा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स इस प्रकार के थे कि क्या हम अदर कोर्स में एडमिशन ले लें एमबीबीएस के अलावा, जैसे बीडीएस में हो गया, इसके बाद बीडीएस में एडमिशन ले लें, बीएएमएस में एडमिशन ले लें, बीएचएमएस बीयूएमएस में एडमिशन ले लें, वेटनरी में एडमिशन ले लें। तो ये एडमिशन लेने के बाद में इस साल ये कोर्स की तैयारी भी करते रहे और अगले साल नीट 23 का एग्जाम भी दे दें, तो क्या ये संभव है क्या? और स्टूडेंट्स इतने इसमें कितने ज्यादा सक्सेस होते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि देखो स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं नीट 23 की एग्जाम की तैयारी करने वाले दो प्रकार के स्टूडेंट्स को यहां मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं। पहली कैटेगरी ये है कि किसी भी स्टूडेंट को इसी साल एडमिशन लेना उसकी मजबूरी है, क्योंकि काफी सारी मजबूरियां होती हैं इंसान की, जैसे गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी मैरिज का पेरेंट्स को प्लान करना है, उसके बाद में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल कोर्स में फीस पे नहीं कर पाएंगे, उनको एडमिशन ही लेना है, एज ज्यादा हो गई है, ड्रॉप ज्यादा हो गए हैं, तो इस प्रकार के मजबूरी वाले कैंडिडेट्स हैं, इस प्रकार के मजबूरी वाले कैंडिडेट्स हैं, तो वो तो इस साल इन कोर्सेज में एडमिशन लेके नीट 23 की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ। और पिछले इयर्स में मैंने देखा है कि ये तैयारी की है स्टूडेंट ने, और इस साल भी, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी बीएमएस वगैरह, बीएचएमएस, बीडीएस इनमें एडमिशन लेने के बाद में स्टूडेंट्स के नीट में अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्होंने इनको रिजाइन करके एमबीबीएस में एडमिशन लिया है। तो मजबूरी वाले स्टूडेंट ये कर सकते हैं, लेकिन उनको मेहनत बहुत करनी होगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनको इन कोर्सेज की स्टडी में भी टाइम देना है और इसके अलावा नीट की तैयारी भी करनी है, यानी कि उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो इतनी सारी मेहनत कर सकते हैं तो आप इस साल किसी भी कोर्स में एडमिशन लेके साथ में नीट की तैयारी करके अगले साल एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनको कोई किसी प्रकार की इतनी ज्यादा मजबूरी नहीं है, जिनके तीन तक ड्रॉप हुए हैं या किसी के फोर ड्रॉप भी हो गए और वो आगे भी ले सकते हैं, कोई किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है, वो पढ़ सकते हैं, एक साल और तैयारी कर सकते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि वो एक फुल स्ट्रेंथ के साथ में नीट 23 की एग्जाम दें, यानी कि उनको इन अभी इन कोर्सेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ न सिर्फ नीट की ही तैयारी करें, क्योंकि उनको किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए नीट की तैयारी करें। तो मैंने जो कमेंट्स में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, उनके डाउट्स थे, दोनों का रिप्लाई दे दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को मजबूरी है इसी साल कोर्स में एडमिशन ही लेना है, बॉर्डर लाइन पे है या थोड़े से मार्क्स कम है, इन कोर्सेज में गवर्नमेंट में अच्छी तरह एडमिशन हो सकता है, तो एडमिशन ले लें, साथ साथ नीट की तैयारी फुल स्ट्रेंथ के साथ में करनी है। लेकिन जिनको कोई मजबूरी नहीं है वो सिर्फ एंड सिर्फ नीट की ही तैयारी करें। तो ये जानकारी थी आपके काफी सारे कमेंट्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी, कैसे आपने एडमिशन लेके इसमें
अगली साल फिर एमबीबीएस में हो जाता है तो कैसे लेना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इस साल इनमें आप एडमिशन ले लेंगे, किसी भी एक कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद में आपको इस साल कॉलेज में बॉन्ड फिल करना पड़ेगा कि अगले साल आप कोर्स को छोड़ते हैं तो एक निश्चित राशि होती है, वो अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग कॉलेज के लिए, स्टेट के लिए अलग अलग बॉन्ड होता है। इन कोर्सेज में बॉन्ड ज्यादा नहीं होता है, जैसे एमबीबीएस की तरह 5 लाख 7 लाख इस प्रकार का इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं होता है, इनका नॉर्मली सी बॉन्ड है जो आप पे कर सकते हैं। तो इस बार जैसे आपने एडमिशन ले लिया, साथ साथ कोर्स भी किया, कोर्स करने के बाद में आपने नीट की तैयारी की और नीट में आपके अच्छे मार्क्स आ गए नीट 23 में, तो उसके बाद में आपने उस सीट से रिजाइन करना है। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेके स्टडी कर रहे हैं उससे आपको रिजाइन देना पड़ेगा, वहां बॉन्ड पे करना पड़ेगा। कॉलेज में आप बॉन्ड पे कर दो, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप डॉक्यूमेंट्स उसी समय लें जब आपका अलॉटमेंट हो जाए, क्योंकि नीट में ऐसा होता है काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है और उसमें फर्स्ट राउंड में काफी सारे स्टेट्स में और एमसीसी में तो जरूरत ही नहीं होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है या आपको बिल्कुल कंफर्म है कि सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी, तभी आप कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स लें। तो ये जानकारी थी इसके बारे में कि हम साथ साथ नीट की तैयारी करते, सॉरी कोर्स करते समय नीट की तैयारी कैसे करें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।